पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में ऐसा कुछ हो गया कि जान के आप लोग हैरान हो, जो कि बाबर आजम कैप्टनसी के लिए नहीं आए, रिजवान कैप्टनसी के लिए आगे के लिए कैप्टनसी के लिए रिजवान आए, वो बहुत गलत था, आईसीसी के रूल के खिलाफ था। आज के मिशन ने जबरदस्त पारी खेले, 100 रन बना के अभी भी क्रीज में खड़े, टॉप लेथन ने बनाए 113 रन, उसके बाद कॉनवन बनाए 92। अगर वीडियो में नहीं हो तो वीडियो लाइक, चैनल के लिए सब्सक्राइब, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब डे टू खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 165 रन था, कोई विकेट नहीं, 9 विकेट, कोई विकेट नहीं था। जब डे थ्री शुरू किया गया तो जबरदस्त पारी खेलते तो कॉनवन ने 92 रन पे आउट हो गए, जो कि टॉम लेथन और कॉनवन का 183 रन का पार्टनरशिप लगा, उसके बाद कॉनवन आउट हो गए। इसके बाद केन विलियमसन और टॉम लेथन का पार्टनरशिप लगा, टॉम लेथन बना 113 रन बना के टॉम लेथन आउट हो गए। उसके बाद केन विलियमसन और जो भी न्यूजीलैंड का बैटर आ रहे थे बैटिंग करने, उसके उनके साथ हर किसी के साथ 50 रन 60 रन 90 रन का पार्टनरशिप लगाते केल मिंसल बनाए 100 रन, जिनका फॉर्म सही फॉर्म नहीं था, फॉर्म से वो जूझ रहे थे, फॉर्म अपना ढूंढ रहे थे। इस कराची टेस्ट में डे थ्री में वो 100 मार के अपना जो फॉर्म था फॉर्म वापस ले ले, जो कि अभी भी क्रीज में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के बॉलर लोग ऐसा धुलाई के सब थक गए, जो कि हर कोई बॉलर 24 ओवर 25 ओवर 26 ओवर करके थक जाते हैं। डे दो दिन बाद बॉलिंग करना बहुत बड़ी बात होता, जो कि डे थ्री खत्म होते हुए होते न्यूजीलैंड का 100 स्कोर 440 रन है, जो कि 2 रन ऑलरेडी न्यूजीलैंड लीड कर लिया। ये मैच टेस्ट ड्रो की तरफ जा रहा है, ना कि कोई मैच जीतेगा, ऐसा लगता है ड्रो की तरफ जाता है। न्यूजीलैंड हो सकता है कल पूरा दिन खेले या एक सेक्शन खेले, उसको पाकिस्तान को कम से कम 300 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके न्यूजीलैंड को मैच चेंज करने भी देना पड़ेगा। टेस्ट मैच ऐसा लगता है कि अब ड्रो हो जाएगा, ना कि मैच कोई जीतेगा। आज ऐसा कुछ ये मैच में हुआ है कि बाबर आजम सुबह कैप्टनसी के लिए नहीं आए, रिजवान कैप्टनसी के लिए आए, क्योंकि वो अब ना कोई टीम में थे, ना वो बैटिंग करते ना बॉलिंग करते, वो टीम में नहीं थे, टीम का मेंबर नहीं थे, इसके वजह से आईसीसी के खिलाफ था, जो किसी आईसीसी के मेंबर आईसीसी के जो एम्पायर था उनको बोला भाई अभी कैप्टनसी नहीं कर सकते हो, कैप्टनसी जो प्लेइंग 11 जो 11 टीम में जो भी एक खिलाड़ी है उसको कैप्टनसी दे, तो सरफराज अहमद को कैप्टनसी दिया गया, जो कि ये बहुत बड़ी बड़ी टीम में बड़ी टीम में नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। आदमी को रूल मालूम होना चाहिए, टीम को मालूम होना चाहिए, जो कि जो खेलता है टीम है जो कोई कंट्री है उनको मालूम होना चाहिए रूल आईसीसी के खिलाफ है। तो सरफराज अहमद को कैप्टनसी दिया गया, उसके बाद कुछ देर बाद बाबर आजम आ गए, बिल्कुल ये मैच ड्रो की तरफ जा रहा है, मैच कोई नहीं जीतेगा। अगर कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, जो कि न्यूजीलैंड जल्दी जल्दी आउट हो जाए, पाकिस्तान को 300-400 बना ले एक दिन में, दूसरा दिन क्या न्यूजीलैंड को बैटिंग करने पाकिस्तान दे दे और जल्दी जल्दी आउट कर ले, तो कुछ बड़ा ही चमत्कार हो जाए इस टेस्ट मैच में, सब जाकर पाकिस्तान मैच जीत सकता, नहीं तो लगता है ड्रो की तरफ ये मैच जा रहा है। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।